हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स। क्लास 11th में जा चुके हो आप और पूरे डिटेल सिलेबस की इस वीडियो में हम बात करेंगे, चाहे वो PCM का हो, PCB का हो, मतलब आप बायो ले रहे हो, आप मैथ्स ले रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ हम टोटल फुल सिलेबस की बात करेंगे। प्लस इस वीडियो में मैं आपको प्रिस्क्राइब्ड बुक भी बताने वाला हूँ कि कौन सा रेफरेंस बुक आप IIT और NEET की प्रिपरेशन के लिए ले सकते हो। जी हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट आपको एज सून एज पॉसिबल मिल जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूँ, क्लास 10th के जैसा हमारा क्लास 11th नहीं है। क्लास 11th में हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो, तीनों चारों के लिए हमें दो बुक पढ़नी पड़ेगी, जो हम पार्ट वन पार्ट टू कहते हैं, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक कहते हैं। आपका हाफ ईयरली के पहले पार्ट वन पढ़ाया जाएगा और हाफ ईयरली के बाद आपको पार्ट टू पढ़ाया जाएगा। आपका टोटल 6 यूनिट कंटेन करता है हमारा मैथ, और टोटल 6 यूनिट्स में आपका सबसे पहला है सेट्स एंड फंक्शंस, जो कि अकेले 23 मार्क्स कंटेन करता है। जी हाँ, 23 मार्क्स सेट्स एंड फंक्शन यूनिट वन कंटेन करता है। यूनिट टू है हमारा अलजेब्रा, जो कि अकेले 30 मार्क्स कंटेन करता है। थर्ड है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि 10 मार्क्स कंटेन करता है। कैलकुलस, जो कि क्लास 12th में तो बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि क्लास 12th में आप अकेले कैलकुलस के दम पे पास हो सकते हो, पूरे 44 मार्क्स क्लास 12th में, बट क्लास 11th में ये केवल 5 मार्क्स कंटेन करता है। मैथमेटिकल रीजनिंग एक अलग यूनिट है और इसमें केवल एक ही चैप्टर आता है, जो कि केवल 2 मार्क्स कंटेन करता है। फिर हमारा आखिरी यूनिट स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, जो कि 10 मार्क्स कंटेन करता है। अब हम इस यूनिट में चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि इस यूनिट में, इन यूनिट्स में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। यूनिट वन सेट्स एंड फंक्शन में आपको पूरे 3 चैप्टर पढ़ने होंगे, पहला सेट्स, दूसरा रिलेशन एंड फंक्शन और तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 3 चैप्टर हमारे यूनिट वन सेट्स एंड फंक्शन में है। यूनिट टू अलजेब्रा टोटल 6 चैप्टर को कंटेन करता है। हमारा पहला चैप्टर है इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, दूसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीसरा है लीनियर इनइक्वालिटीज, चौथा है परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन, फिर बायनोमियल थ्योरम पांचवां चैप्टर, और आखिरी चैप्टर हमारा सिक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें हम AP GP ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने तीसरे यूनिट की तरफ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा 3 चैप्टर कंटेन करता है, स्ट्रेट लाइंस, कोनिक सेक्शंस और इंट्रोडक्शन टू 3D थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 चैप्टर हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंटेन करता है। चौथा यूनिट हमारा कैलकुलस है, जो कि मैंने बताया कि क्लास 12th में ये बहुत ज़्यादा वास्ट है, लेकिन क्लास 11th में बहुत ज़्यादा कॉन्साइज है, बहुत ज़्यादा कम है, प्रिसाइज है एकदम। तो इसमें आपको चैप्टर 1 है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, जो कि 11th में बहुत काम की चीज़ है ये लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। आप अगर 11th में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स नहीं पढ़ोगे तो 12th में आपको कैलकुलस का एक भी पार्ट, एक भी चैप्टर समझ में नहीं आने वाला है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स ये हमारे कैलकुलस है, जो कि खुद का 5 मार्क्स कंटेन करता है। मैथमेटिकल रीजनिंग 2 मार्क्स कंटेन करता है, और इसमें भी केवल एक ही चैप्टर आते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग करके चैप्टर का नाम है। और आखिरी यूनिट हमारा, जैसे आपको पता ही है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि खुद में 10 मार्क्स कंटेन करता है। इसमें भी हमारे 2 चैप्टर हैं, एक है स्टैटिस्टिक्स और दूसरा है हमारा प्रोबेबिलिटी। अब ये टोटल मार्क्स की बात करें तो हो गए हमारे 80 मार्क्स, और 20 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट केवल मैथ के लिए। और क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए क्या है कि आपका टोटल 70 मार्क्स थ्योरी का है और 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल का माना जाता है। चलिए, ये हो गया हमारा मैथ का फुल सिलेबस, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम फिजिक्स के लिए फिजिक्स देख लेते हैं। फिजिक्स में टोटल आपको 10 यूनिट्स हैं और चैप्टर मिलेंगे 15, 10 यूनिट्स 15 चैप्टर। और अगर कहीं ना कहीं मैं बात करूं तो इसमें जो फर्स्ट बुक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको फर्स्ट बुक 12th में भी काम आने वाली है। जो फर्स्ट बुक के चैप्टर्स आप पढ़ोगे कहीं ना कहीं वो 12th में भी मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 आपका फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट मिलेगा, इसमें आपके 2 चैप्टर हैं, फिजिकल वर्ल्ड और फिर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, 2 चैप्टर आपके इसमें मिलेंगे। यूनिट 2 की बात करूं, काइनेटिक्स, काइनेटिक्स में भी आपको 2 चैप्टर, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन।
थर्ड यूनिट की बात करूं लॉज ऑफ मोशन, और इसका केवल अकेला एक चैप्टर मिलेगा आपको, एक चैप्टर पढ़ना होगा लॉज ऑफ मोशन। और अगर इन तीन यूनिट्स की मैं बात करूं तो ये तीन यूनिट्स 23 मार्क्स आपको देखे जाएंगे। जी हाँ, 23 मार्क्स कंटेन करते हैं केवल फिजिक्स के ये शुरुआत के तीन यूनिट्स। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग भी है और आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है अगर आप ट्वेल्थ में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो। फोर्थ जो हमारा यूनिट है वर्क एनर्जी एंड पावर, फिफ्थ यूनिट है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, सिक्स्थ हमारा यूनिट है ग्रेविटेशन। और अगर अब हम तीन इन यूनिट्स की बात करें ना, इनके अंदर केवल आपको एक एक चैप्टर पढ़ने होंगे और आपके नंबर जो है वो 17 नंबर कंटेन करता है, 17 मार्क्स केवल ये तीन यूनिट। और इन तीन यूनिट्स के अंदर केवल आपको तीन चैप्टर्स पढ़ने को मिलेंगे। और अगर आप शुरुआत की तीन यूनिट अच्छे से पढ़ते हो तो ये तीन यूनिट्स में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब हम सेवेंथ अपने यूनिट की तरफ चलते हैं। हमारा सेवेंथ यूनिट है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर के अंदर तीन चैप्टर हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये तीन चैप्टर हमारे बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में है। हमारा नेक्स्ट यूनिट है थर्मोडायनामिक्स, और थर्मोडायनामिक्स केवल एक चैप्टर कंटेन करता है, थर्मोडायनामिक्स खुद का एक चैप्टर है और ये पूरा समुद्र है जिसे कह सकते हैं हम। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा यार, अगर ट्वेल्थ के लिए आप कहीं ना कहीं फोकस्ड हो तो। इलेवेंथ तो आपको मान के चलो कि पूरी मेहनत करके चलनी पड़ेगी। आप आईटी की प्रिपरेशन के लिए ना इलेवेंथ स्टेपिंग स्टोन माना जाता है। अगर आप इलेवेंथ अच्छे से नहीं पढ़े हो तो आप ट्वेल्थ के बाद मेहनत करोगे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा नाइन्थ यूनिट बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। अब इन तीन यूनिट्स की बात करें तो ये तीन यूनिट्स आपको 20 मार्क्स देके जाएगी। लास्ट हमारा है ऑसिलेशंस एंड वेव, ये हमारा आखिरी यूनिट है, 10th यूनिट है। और इस 10th यूनिट में आपको दो चैप्टर हैं, एक है ऑसिलेशन और वेव्स, और ये 10 मार्क्स आपका कंटेन करता है। तो इस तरीके से हमारे टोटल 70 मार्क्स फिजिक्स के हो जाते हैं, और रहा हमारा जो 30 नंबर बचता है वो हमारी इंटरनल असेसमेंट मतलब प्रैक्टिकल के बेस पे हमें जज किया जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम केमिस्ट्री की डिटेल सिलेबस देख लेते हैं। अब आप इसमें कह लीजिए 14 यूनिट्स हैं या 14 चैप्टर हैं, बराबर हैं, टोटल 14 चैप्टर्स आपको मिलेंगे इसमें। अब इन चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं। आपको पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और दूसरा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दोनों चैप्टर काफी इजी हैं और आपके 11 मार्क्स कंटेन करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज 4 मार्क्स का है, थोड़ा सा फैक्चुअल बेस्ड है, याद कर लो 4 नंबर आपके पक्के हैं। आगे हम यूनिट 4 की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स, फिर स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेज और लिक्विड्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, फिर केमिकल थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम आपका ये यूनिट 4 से लेके यूनिट 7 तक 21 मार्क्स कंटेन करता है, और अकेले ये वो पोर्शन है जो कि आपका 12th में पास आउट होने वाला है। मतलब कि आप अगर 11th में पढ़ रहे हो इसे तो 11th के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि 21 मार्क्स कंटेन कर रहा है। 12th में भी ये कहीं ना कहीं इसके कुछ टॉपिक्स आपके पास आउट होते हैं। और अगर मैं यूनिट 8 की बात करूँ तो रेडॉक्स रिएक्शन, हाँ इनके बाद जो यूनिट्स हैं जैसे फिजिक्स और मैथ में बताया था मैंने, शुरुआत में कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट थे, डिफिकल्ट क्या कह सकते हो आप, ज़्यादा मार्क्स कंटेन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका डिफिकल्टी लेवल नीचे वाले यूनिट्स में पास आउट हो गया है। मतलब नीचे वाले यूनिट्स में आपको थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर्स मिलेंगे, थोड़ा सा आपको ज़्यादा मार्क्स कंटेन करने वाले चैप्टर्स मिलेंगे। जैसे आपकी मैं ये बात करूँ, इसमें आपने पढ़ी चुका है यूनिट 7 तक। यूनिट 8 की बात करूँ तो रिडॉक्स रिएक्शन, फिर यूनिट 9 हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट, ये 4 यूनिट आपके टोटल 16 मार्क्स आपको देके जाएंगे। और थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग भी है, टीचर्स भी स्लो करके पढ़ाते हैं, और आपको कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, मैं ये बता दूं आपको टोटली इसमें। उसके बाद हमारा यूनिट नंबर 12 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, फिर यूनिट 13 हाइड्रोकार्बन्स, और यूनिट 14 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अभी इन तीन यूनिट्स की बात करूं तो ये तीन यूनिट्स भी आपके काफ़ी अच्छे चैप्टर्स हैं। अगर आप ऐसे कर सकते हो कि बहुत फोकस्ड हो क्लास में तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाता है, और 18 नंबर्स आप
आपके कंटेन 18 मार्क्स आपका ये टोटल जो तीन यूनिट है आखिरी का ये कंटेन करता है। तो हमने बात किया केमिस्ट्री के डिटेल सिलेबस की, फिजिक्स के डिटेल सिलेबस की, मैथ के डिटेल सिलेबस की। केमिस्ट्री की बात करूँ तो ये टोटल नीचे 70 मार्क्स आपको देके जाएंगे जैसा मैंने बताया था पहले भी। अब बायो वालों के लिए क्या है, बायो वालों के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो चारों की हमने डिटेल सिलेबस देके रखी है नीचे। आप लिंक ओपन करिए और वहां से पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज सिलेबस आपको वहां पर पीडीएफ खोलने का फायदा ये मिलेगा कि आपको वो टॉपिक्स मिल जाएंगे कि आपको चैप्टर क्लास 11th में कौन कौन से टॉपिक कौन से चैप्टर के अंडर में पढ़ने हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो है, लोग कहते हैं कि प्रिस्क्राइब करिए सर बुक, और आपने कौन सी बुक से पढ़ी थी, लोग कौन से बुक से पढ़ते हैं कि आईआईटी हमारी निकल जाए, नीट निकल जाए, हम बोर्ड कहीं ना कहीं इक्वल कर ले थोड़ा सा। मैथ की बात करूं तो मैथ में आपका एनसीईआरटी तो चलेगी ही, एनसीईआरटी आपका पक्का चलना ही है, स्कूल वालों के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ में आप आरडी शर्मा ले सकते हो क्योंकि आरडी शर्मा के डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में भी मिलते हैं, 11th के जो एग्जामों में तो मिलते ही है, ये तो पूरे स्कूल के बेस पे रहता है। और कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूं तो एनसीईआरटी फिनिश करने के बाद ही आप आरडी शर्मा के क्वेश्चंस पर जाइए, क्योंकि एनसीईआरटी क्या होता है, कहीं पर भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम कर रहे हो, आप बोर्ड्स के लिए जा रहे हो, आप आईटी के लिए जा रहे हो, नीट के लिए जा रहे हो, आपको एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मेरी पहली प्रिस्क्रिप्शन अब भी मैथ के लिए और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी है। और मैथ की जो मैं बात करूं तो रेफरेंस बुक आप आरडी शर्मा ले सकते हो। फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में नीट तो एनसीईआरटी तो आपकी चल जाएगी। एनसीईआरटी में क्या है, जो आपके चीज़ें कॉम्प्लेक्स करके दे दी हैं, आपको थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मैं बेस्ट बुक की बात करूँ ना इसमें, तो एससी वर्मा आपको बहुत अच्छी पड़ेगी। एससी वर्मा टोटल, एससी वर्मा सर आप एससी वर्मा की वीडियोस भी देख सकते हैं, वो खुद की उनका यूट्यूब चैनल भी है, आईटी कानपुर में थे सर, और उन्होंने इसमें क्या किया है, थोड़ा थ्योरी पार्ट डिस्क्राइब किया है, थोड़े न्यूमेरिकल्स भी दिए हैं। और एससी वर्मा के आईआईटी में ना काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इस बुक से। और बुक की बात करूं जहां पे नीट और आईआईटी के काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो वो है अरियन पब्लिकेशन की, डीसी पांडे ने एक बुक लिखी है। तो आप इन तीनों में से मैं आपको बोलूंगा कि आप एनसीईआरटी के साथ आप बेस्ट रहेगा कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स जो कि एससी वर्मा सर ने लिखी है वो प्रिस्क्राइब करिए। और आपको थोड़ा डिटेल अगर पढ़ना है कि नहीं मैं 11th का सिलेबस कवर कर लूंगा, तो आप अरियंत का पब्लिकेशन के लिए भी जा सकते हो, इसमें काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स भी हैं, काफ़ी फिगरेटिव भी है, ठीक है, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगा ये डीसी पांडे की बुक पढ़ने के बाद। और ये डीसी पांडे की अगर बुक की मैं बात करूं तो फिजिक्स में आपको टोटल 5 बुक मिलेंगे, आपको 2 11th में पढ़ने हैं और 3 12th में पढ़ने हैं। केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री के लिए अब भी बहुत बेस्ट बुक मानी जाती है प्रदीप, और एनसीईआरटी तो आप ख़त्म करोगे ही। हमारी जो केमिस्ट्री में 3 पोर्शन आता है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक के लिए मैं बताऊंगा आपको कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि इनऑर्गेनिक के डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। और ऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए आप प्रदीप की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके बुक ले सकते हो, आपके मार्केट में अवेलेबल होगी, और ट्राई करिएगा कि लेटेस्ट एडिशन बुक आप लीजिए। बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी के लिए आप एबीसी की बुक ले सकते हो जो कि थोड़ा लेटेस्ट एडिशन की हो और मॉडर्न पब्लिकेशन की हो। तो एबीसी की बुक मेरे हिसाब से बायोलॉजी के लिए बेस्ट पड़ेगी, क्योंकि इसमें फिगर्स और एग्जांपल्स और बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये सब कुछ हमारे इस वीडियो में था, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले सिलेबस की बात अगर मैं करूं तो मैं जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूं, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।